Solar comprised of 20,956 crore as compared to previous year's 9,301 crore. The module manufacturing, we sanctioned about 21,565 crore. Large hydro projects, 32,450 crore. Pump storage hydro projects, 28,304 crore. Green hydro and green ammonia projects worth 7,997 crore. Electric mobility segment, we have sanctioned 7,214 crore. Wind turbine manufacturing capacity, for which we have sanctioned about 3,195 crore. Wind power, 3,453 crore. Hybrid solar and wind, 10,098 crore. These are the highlights of the various sanctions which we have issued in renewable energy portfolio. बीता है क्या कुछ चीजें हुई है आरईसी के द्वारा, आरईसी क्या कुछ कर रही है और जान चाहते हैं कि क्या पहले आपने आपको इंट्रोड्यूस करी है और क्या कुछ आज का ये बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल पूछने के लिए। मैं वीके सिंह हूँ, डायरेक्टर प्रोजेक्ट आरईसी में। जैसा आज हमने अपने रिजल्ट प्रस्तुत किए आप सभी लोगों के समक्ष, विगत वर्ष में 23-24 में आरईसी की परफॉर्मेंस कई मापदंडों पे बहुत अच्छी रही है। इस साल में, गए साल में हमने 3,58,000 करोड़ के सैंक्शन किए नए प्रोजेक्ट, और ये जो नए प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं ये बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में हैं। ये जनरेशन में है, ट्रांसमिशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, रिन्यूएबल में है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में है, ई मोबिलिटी में है, रिन्यूएबल की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, पावर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स उनमें हैं। तो हमने वैरायटी ऑफ सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने इस साल में सैंक्शन किए हैं। इसके साथ साथ हमारा डिसबर्समेंट भी इस साल में हाईएस्ट एवर डिसबर्समेंट किया है, और साथ ही जो प्रॉफिट है जो कि हमारे बिजनेस के साथ ही लिंक्ड है वो भी हाईएस्ट एवर है। 14,000 करोड़ के आसपास हम लोगों ने इस पूरे साल में प्रॉफिट किया। सो की हाईलाइट है, मैं क्वार्टर ना बता के इसको सालाना का जो हमारा रिजल्ट है वो मैं बता देता हूँ। तो हमने टोटल सैंक्शन 3,58,000 किए और हमने टोटल डिसबर्समेंट 2,68,000 किए, दोनों ही अब तक के सर्वश्रेष्ठ हमारे नंबर हैं। रिन्यूएबल सेक्टर में हमने 1,36,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किए, जबकि हमने इससे पिछले साल में मात्र 21,000 करोड़ के किए थे। तो जो हम कह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे और अपना पोर्टफोलियो में रिन्यूएबल एनर्जी को और फर्दर सैंक्शन और फर्दर डिस्बर्स करेंगे तो हम कर भी रहे। इसके अलावा हमने सोलर में करीब 20,956 करोड़ के हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के 51,000 करोड़ के, लार्ज हाइड्रो वो हमने करीब 32,000 से ज़्यादा करोड़ के प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किए हैं। पम्प स्टोरेज जो कि एक नई टेक्नोलॉजी और अभी पिछले एक दो वर्षों से देखने को मिल रहा है, उसमें हमने करीब 28,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो एक नई टेक्नोलॉजी है उसको भी हम लोगों ने अभी पिछले एक साल से सैंक्शन शुरू किया है। वो टेक्नोलॉजी पूरे देश के लिए नई टेक्नोलॉजी है, उसमें हमने करीब 8,000 करोड़ के दो बड़े प्रोजेक्ट हम लोगों ने सैंक्शन किए हैं। ई मोबिलिटी में 7,200 करोड़, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग अगेन 3,200 करोड़ क्लोज टू, विंड में हमने करीब 3,500 करोड़ का नए प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, और हाइब्रिड में करीब 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। ये जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा था आपको ये लार्जली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। इसके अलावा हमने थर्मल के भी प्रोजेक्ट किए हैं करीब 8,800 मेगावाट, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के भी नंबर हमने आप लोगों के साथ में साझा किए हैं अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू, जो कि हमारी साइट पे भी अब अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स सर, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा प्रोजेक्ट है और क्या कुछ प्रॉफिट है? सो ग्रामीण क्षेत्र में पहले दो मुहिम चली थी, पहले गाँवों का विद्युतीकरण जो कि कम्प्लीट हो गया है, आज देश में हर एक गाँव में बिजली है। दूसरी मुहिम थी जिसमें हमने बोला था, भारत सरकार ने बोला था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला था कि हर घर बिजली, घर घर बिजली, और उसको सौभाग्य जो एक कार्यक्रम है उसके थ्रू हम हर घर तक लेके गए, और जितने विलिंग हाउस होल्ड थे लगभग 2.86 करोड़ जिनके घरों में बिजली नहीं थी उनके घरों तक बिजली को पहुंचाया गया। तो ये दोनों काम गाँव में हो चुके हैं, बट गाँव में हम जानते हैं कि फिर और भी नए लोग होते हैं, नए घर बनते हैं, तो उनके लिए भी हम
अभी RDSS में भी उनके घर के और गांव के जो रह गए, कुछ छोटे छोटे मजरे टोले इस टाइप के जो रहे हैं, वहाँ पे भी विद्युत और विद्युत से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाने का काम RDSS स्कीम में भी अभी कर रहे हैं। की बड़ी 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 जो प्रॉब्लम होती है गांव वाले क्षेत्र में वो होती है पानी की, सिंचाई की, तो उस तरह कोई प्रोजेक्ट अगर बताना चाहें कोई? तो वो काफ़ी सारे प्रदेशों में जो एग्रीकल्चर के लिए जो पंप यूज़ होता है उसकी जो बिजली है काफ़ी स्टेट ने उसमें सब्सिडी दी हुई है फ्री, तो वहाँ पे बिजली की जो खपत है उसका कोई चार्ज नहीं लगता। ऐसे काफ़ी प्रदेश हैं, कुछ प्रदेश हैं जो बहुत कम चार्ज भी लगाते हैं, सब्सिडाइज रेट पर लगाते हैं, और किसान अधिकतर उन्हीं एग्रीकल्चर पंप को यूज़ करते हैं अपने खेतों की सिंचाई वगैरह के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि वो सिंचाई का पानी जो पंप वो कर रहे हैं लगभग लगभग सारे ही प्रदेशों में वो या तो फ्री आ रहा है या तो बहुत सब्सिडाइज रेट पर। दोबारा पूछिए, ट्रांसफॉर्म में आपने जो पावर प्रोग्रेसिव और प्रॉस्पर्टी का मॉडल दिया है, इसके अलावा और किन किन क्षेत्रों में? हम ये स्लोगन हमारा नहीं जो आप हमारे बोल रहे हैं, ये शायद हमारा स्लोगन नहीं है। इसके अलावा हट्टी सिटी के बारे में हम चाहते हैं कुछ अगर आप विस्तार से बता सकें, किस तरह से आप की तरफ से क्या कुछ चेंजेस आए हैं, स्पेशली गांव वगैरह में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कई गांव ऐसे जहाँ। देखिए, देश में अब बिजली की जो व्यवस्था है काफ़ी मजबूत है। हम देख रहे हैं कि अभी आप जहाँ जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पे आपने खुद देखा होगा कि बिजली की अवेलेबिलिटी काफ़ी है। हम जो हमारी जानकारी है वो लगभग 23.5-24 घंटे बिजली अर्बन एरिया में आ रही है और लगभग 21 घंटे के आसपास गांव के एरिया में आ रही है। ये औसतन नंबर हैं, कुछ गाँव में शायद कम भी आ रही होगी और कुछ गाँव में 21 घंटे से ज़्यादा भी आ रही होगी। औसत जो है करीब लगभग 21-21.5 घंटे का बिजली आ रही है। तो बिजली की क्षेत्र में सारे ही यूटिलिटी ने, सारे ही देश प्रदेश के जो यूटिलिटी है सब ने अच्छा काम किया है और उसका रिजल्ट हम आप देखते हैं कि आज बिजली की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, हर जगह बिजली मिल गई। तो उसमें अब देश की जब ग्रोथ होती है तो फिर बिजली सबसे बड़ा ड्राइवर है देश की ग्रोथ को करने के लिए, और उसमें जैसे जैसे ग्रोथ आगे बढ़ेगी बिजली की डिमांड भी आगे बढ़ेगी, और वो हमने देखना शुरू भी किया है। बिजली की डिमांड को बढ़ने की वजह से काफ़ी नए नए बड़े बड़े संयंत्र जिनको हम बिजली घर बोलते हैं या पावर हाउस बोलते हैं उनका निर्माण अभी तय किया गया है और काफ़ी निर्माणाधीन है, चल रहे हैं जिनके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, और ये आने वाले 2030 तक का हम लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ, भारत सरकार ने एक प्लान बनाया हुआ है कि 2030 तक हमारी बिजली की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। तो उस सबका एक डिटेल में प्लान है जो कि करेंटली अंडर इम्प्लीमेंटेशन। अब हमारे CMD लगभग फ्री हो गए तो अब CMD के साथ भी कर लें वरना आपके सवाल ख़त्म हो जाएंगे। बताइए, सोलर लाइट Government of India has set a target under the nationally determined contribution. CMD का वो 2 मिनट का 500 gigawatt. CMD कौन से बोल रहे हैं? Renewable energy alone we need to achieve by 2030. So our lending operations we are aligning according to the strategy of the Government of India. Last year under the renewable energy alone 136,000 we have sanctioned. So we are on a yearly basis there will be an exponential growth, and this year our sanctioned target under renewable energy alone is 150,000 crores, which solar occupies a major challenge. सर, भारत सरकार के जो टारगेट है 500 गीगावाट 2030 तक लगाना ही लगाना है, 2070 तक नेट जीरो होना ही होना है। हम लोगों ने भी ग्रीन
जो फंडिंग है उसके भी हम लोग एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, और पिछले साल की ग्रोथ देखिए करीबन 500% हमने ज़्यादा सैंक्शन की है इस बार, तो ये मोमेंटम जारी रहेगा आगे। और जिस तरह से रिन्यूएबल्स के नए प्रोजेक्ट्स आएंगे हमारे पास, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए, ग्रीन हाइड्रोजन आए, सोलर आए, विंड आए, हम लोग उसके लिए करेंगे प्रोजेक्ट्स फंडिंग, और REC कमिटेड है इन प्रोजेक्ट्स करने के लिए, और हम लोग अच्छे रेट पर उनको फंड कर रहे हैं, मार्केट कॉम्पिटेटिव रेट्स हैं, तो हम लोग जो देश के लिए है उसमें पूरी तरह से इस क्षेत्र में योगदान करेंगे। तो हमने ये सोचा है कि हम रिन्यूएबल में खास तौर से, आज रिन्यूएबल हमारा टोटल लोन बुक में 5% से भी कम है, बट हम इसको लगभग 30% तक लेके जाएंगे। वो तभी होगा जबकि हमारा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे बना रहे, और अगर आप हमारे सैंक्शन और डिसबर्समेंट के नंबर देखें तो हमने फोकस बनाया हुआ 21,000 करोड़ जो हमने लास्ट टू लास्ट ईयर किया था, उसके अंदर से 1,37,000 करोड़ हमने इस साल में किया है गए साल। तो इससे करके हम ये मानते हैं कि हमारी 2030 में जो लोन बुक है वो करीब 3,00,000 करोड़ के आसपास तक पहुँचे केवल इन रिन्यूएबल। वैसे डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स ने सारी चीज़ें बताई दी हैं, तो इस साल में सीएमडी को बोला आ जाएगा, इस साल में अगर हम देखें तो हमारे डिस्बर्समेंट भी और वर्षों के से बहुत ज़्यादा रही हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 47,146 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल में 39,208 करोड़ रुपए थी, और जो 20% ज़्यादा है, और टोटल इनकम भी है 47,000, और नेट इंटरेस्ट इनकम 16,167 करोड़ रुपए है, तो पिछले साल में 13,714 करोड़ रुपए थी, 18% ज़्यादा है। इससे नेट प्रॉफिट इस बार ही ऑल टाइम है, ये है जो आज तक कभी अचीव नहीं हुआ, 14,019 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल में सिर्फ 11,055 करोड़ रुपये था, तो 27% की बढ़ोतरी हुई है। इससे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो भी 15,063 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल में 10,084 थी, जो कि 49% की बढ़ोतरी है। तो इसी तरह यील्ड जो है वो भी हमारी बढ़ी है, और कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम हुई है, जिससे कि स्प्रेड और निम भी कंपेटिवली मेंटेन रहे। तो यहाँ वाला